हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ किए बुरे बिहेवियर का किनको पछतावा हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें ना करें। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ किए हुए बुरे बिहेवियर का किनको पछतावा हो रहा है। ये एक टाइमलेस ट्रेडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, इमोशनली जिस इंसान के साथ, जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा था एक समय में, है ना, और आपको नहीं लगता था गाइस। सेवन चक्र का कार्ड यही कहता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये इंसान कभी भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, आपके साथ बुरा बिहेवियर कर सकते हैं या आपके दिल को कभी दुखा सकते हैं। मतलब ये वो इंसान है जिनके साथ एक गहरा अटैचमेंट था, एक आपसे समझ भी बहुत अच्छी थी, या यूँ कह लो कि कोई मसला ऐसा हो सकता है ना, कि कभी यकायक सडन ऐसा मसला घटित हो जाए या कोई ऐसा मामला क्रिएट हो जाए जहाँ पर आपकी समझ और सामने वाले की समझ, दोनों का विचार जो है ना, उस बात पर एक सहमत ना हो पाए, है ना। मतलब इतना आपस में समझने के बाद में भी उस बात को लेकर एक विचार का ना होना, या ऐसा हो सकता है गाइस कि जिनके प्रति आपका लगाव था, हो सकता है कि ये वो सिचुएशन बनी जहाँ पर उनकी रियलिटी क्या है वो उभर कर सामने आ गई, कि वाकई में ये जो आपके लिए कहते हैं और जो करने का बताते हैं उस कथनी करने में फ़र्क है या नहीं है। तो जो कुछ भी है, एक सिचुएशन में आकर बात टिक गई, अटक गई, है ना। वहाँ पर इनका हो सकता है कि स्वार्थी रवैया उभर कर सामने आया, या कोई ऐसा बिहेवियर इनका उभर कर सामने आया जो आपके लिए एक्सेप्ट करने वाला तो नहीं था। कम से कम आपने ऐसा ही सोचा, या कभी भी आपने इनके व्यवहार का मूल्यांकन किया है तो यही किया है कि ये अपने स्वार्थ के बारे में कभी भी नहीं सोचते, ये सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट हुई जहां पर इनका बिहेवियर इस प्रकार से सबके सामने आया कि इनके लिए सबसे ऊपर इनका स्वार्थ होता है और कोई नहीं होता, और आपने यही देखा, इतना स्ट्रांग बिहेवियर इनका देखा कि ये अपने स्वार्थ के आगे और किसी का भी नहीं सोचते कि किसी की लाइफ से क्या लेना देना है, या कभी इनके फैसले से, या जिस बात पर ये अड़िग है, जिस फैसले को लेकर, जिस मामले को लेकर ये अपने विचार को रखते हैं, उससे किन किन लोगों को हानि हो सकती है, या फिर उससे किन किन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। ये उस बात पर अपनी जिद और अपने ईगो को लेकर अड़िग हो गए हैं। और ये बात मैं बता दूं गाइस कि ये ना केवल इनकी जिद जो है ना, इनके खुद के विचारों की वजह से है, इनके साथ सिचुएशन कुछ और भी है। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान भटकने की कोशिश करे और कोई इनको अपना मित्र कहे, है ना, तो वो इन्हें सही सलाह देगा कि ये आपका विचार गलत है, या एक बार जो आपके अपने हैं ना उनकी बात को भी समझने की कोशिश करो, उनकी जगह पर एक बार खुद को खड़ा करके ना बात को समझने की कोशिश करो, क्या पता उनका बिहेवियर या उनकी बात यानी आपकी बात सही हो, है ना। लेकिन किसी ने इनको ये नहीं समझाया, उल्टा इनके दिमाग में और गलत विचार उत्पन्न करने की कोशिश करी। जैसे एक होता है कि एक मौका आता है ना, उस मौके की ताक में रहता है कोई इंसान, कि दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में अगर गलतफहमी क्रिएट होती है तो उस गलतफहमी को और बढ़ाना, तो शायद ऐसा ही किसी ने आपके अपने के साथ किया गाइस, कि उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया कि वो आकर आपकी बात को समझने की कोशिश करे, एक बार आपकी बात, आप कहना क्या चाहते हो उसे खुलकर समझने की कोशिश करे। इतना मौका किसी आपके अपने ने दिया ही नहीं, या जिनके प्रति भी आपका ये लगाव है, या जिनको लेकर आपके मन में विचार आ रहा है कि ये कभी आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, उन्हीं के बारे में ये विचार आ रहा है गाइस, उन्हीं के बारे में ये रीडिंग आ रही है कि इनको गलत संगति भी मिल गई, इनको गलत डायरेक्शन देने वाले लोग भी मिल गए, ना केवल एक गाइस।
इनको दिशा भ्रमित करने वाले लोगों का एक झुंड, एक जमावड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा मिला, जो इनकी गलत बात पर सहमति प्रकट करके कहे कि आप सही हो, इनके दिमाग में यही बात भर दी। तो जो इंसान, और इनके एक और बात है गाइस कि इनको संगति की रंगत जो है ना वो बहुत लगती है। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना कि जैसे भी लिक्विड हो ना वहां पर रख दिया जाए ना उसको सोख लेता है, ये बिल्कुल इनका बिहेवियर कुछ वैसा है गाइस। जिसके साथ तो बैठते उस संगति का असर इन पर देखने को मिलता है, इनके बिहेवियर में, इनके बोल चाल के तरीकों में भी देख लेना आप, इनके कपड़े पहनने के तरीकों में देख लेना आप, कि जैसा सामने वाला बंदा करता है ये बिल्कुल वैसा करते हैं। और यही इनको अच्छी संगति मिल गई तो ये उस ढाल में ढल जाते हैं। मतलब पानी वाली एनर्जी है इनकी, समझ में आ रहे हो कि जिस तरीके से इनको रंगना चाहे ना उस तरीके से ये रंग जाते हैं, उस ढाल में ढल जाते हैं ये। और इनके साथ एक चीज और भी बहुत है, इनको काम का बर्डन बहुत रहता है। ये एनर्जी इस बारे में ही कहती है, इंसान सही होते हुए भी एक मसला या एक स्थिति लाइफ में कभी ऐसी बन जाती है जहाँ पर उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा सब्र रखना होता है, थोड़ी स्थिति को समझनी होती है ना, वहाँ पर इनकी जल्दबाजी कहीं ना कहीं इनके विपरीत काम कर गई। अभी हाल ऐसा है जहाँ एक समय में आप इन पर इतना अटूट विश्वास रखते थे ना, और इन्होंने हर कदम पर बीते कुछ सालों में इतना आपके विश्वास को तोड़ा है कि अब आप इनकी सही बात पर भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो। मे भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी साल भर के दरमियान में आपने इन पर और ट्रस्ट जताने की कोशिश करी, हो सकता है कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर आपको लगा कि इन्हें थोड़ा बहुत गिल्ट हो रहा है, जो व्यवहार आपके साथ किया ना उस व्यवहार को लेकर इनको गिल्ट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय दर समय जब समय बीता ना तो आपको एहसास हुआ कि गिल्ट कुछ भी नहीं है, इनको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि आपके साथ का क्या बुरा बिहेवियर किया है ही नहीं गाइस इन्हें। मुझे ऐसा लगता है पिछले अप्रैल मई जून इन 3 मंथ के दौरान में कोई परिस्थिति ऐसी घटी है गाइस, इन मंथ के दौरान में ना कुछ ऐसा क्रिएट हुई है गाइस परिस्थिति है जहां पर आपको लगा होगा कि ये हो सकता है कि इनके व्यवहार में थोड़ा चेंज आया है, या ये सही गलत के भेद को समझने की कोशिश इन्होंने की है कुछ थोड़ा। एक कहते हैं ना गाइस कि एक बार इन्हें मौका भी दिया गया, ये समझ लो कि अभी भी हालात को समझने की कोशिश करो, सही और गलत को समझने की कोशिश करो, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मत रखो, लेकिन ये फिर भी माने नहीं है गाइस। एक मौका इनको दिया गया था अभी लास्ट ईयर, ये वहाँ पर भी चूक कर गए, और उसके बाद में भी इनके झूठ, ये झूठ बहुत, पता नहीं क्यों इन दिनों में ऐसा लग रहा है कुछ महीनों के दरमियान में कि इनका झूठ बोलने का ना ज़्यादा हो रहा है गाइस, झूठ ज़्यादा बोल रहे हैं ये। और काम का बर्डन कितना रहता है, बहुत ज़्यादा। आपको भी यही लगता होगा कि इनके काम की ना बर्डन, क्योंकि इन पर काम की बर्डन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, आपको एक बार अच्छा फील भी नहीं होता। लेकिन यही चीज़ है गाइस कि अगर इनको थोड़ा टाइम मिल गया ना, तो अभी हाल ऐसे हैं कि ये गलत थिंग को बहुत जल्दी अपने दिमाग में लेकर आएंगे। अभी इनके लिए क्या चीज़ें चल रही है, अभी इनकी मति थोड़ी सी भ्रमित होने वाली चल रही है गाइस, क्योंकि एक तो डायरेक्शन इन्होंने गलत पकड़ा है, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इनके इर्द गिर्द में एक झुंड ऐसा है ना, जो इन्हें गलत डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य कर रहा है, इन्हें अप्रिशिएट कर रहा है गलत चीज़ों के लिए। तो यहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये सही है, आप गलत हो, और आप इनकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश में हो। इनकी थिंक ऐसी है गाइस कि आप कभी भी इनकी लाइफ के अच्छे के बारे में नहीं सोच सकते, इनकी लाइफ के सुख के बारे में नहीं सोच सकते। तो इनके दिमाग में भी यही चल रहा है, मुझे अपने सुख के लिए ना अब स्टैंड लेना चाहिए, है ना, मैं कोई गलत नहीं कर रहा, मैं कोई गलत नहीं कर रही। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, डेफिनेटली कह सकती हूँ, आप इनकी कुंडली चेक करवाना, इनकी राहु की दशा चल रही होगी, क्योंकि गलत डायरेक्शन इंसान तभी चूज करता है, गलत व्यक्तियों की संगत में इंसान तभी जाता है, मित्री भाव गलत इंसानों के साथ तभी रखता है जब ऐसी दशा महादशा उनकी लाइफ में चल रही होती है। इनके साथ एक चीज़ और हो रही होगी, या तो अगर ये कोई अपने हैं तो घर की स्थितियाँ इस प्रकार से क्रिएट कर रहे होंगे कि एक कहते ना घर से बाहर जाकर कहीं और रहने वाली बात, या फिर अगर ये कोई जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये खुद ट्रांसफ़र करवाने वाली बात, मतलब उस स्थान से दूर हो जाने वाली बात, घर से दूर होने वाली बात,
ये करने की कोशिश में होंगे ही, क्या ये कर चुके होंगे, या अभी इन दिनों में ऐसा रह रहा होगा कि ये जहां आप रहते हो ना वहां पर नहीं रहते, वहां से ही हर थोड़े थोड़े दिन के बाद में ट्रेवल करते हैं, घर में कम रहना और मित्रों के साथ, ऐसे बुरे मित्रों के साथ ज्यादा रहते हैं, उन पर पैसा ज्यादा खर्च करना, महंगे महंगे गिफ्ट ले जाकर देना उनको, मतलब पैसे की भी खर्चा बर्बादी कहते हैं ना, बेवजह की जगह पर पैसा खर्च करना जानकर ये भी चीजें इनके साथ हो रही है। इनके साथ एक चीज और होगी, इनको ऐसा लगेगा कि ये पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, है ना, अमाउंट इनका बढ़कर आ जाएगा या कुछ अच्छा खासा इनको अमाउंट मिल जाएगा, और ये जैसे ही ये कोशिश करेंगे ना एक दो बार इनको लगेगा कि सब सही सही जा रहा है, पैसे का बहुत बड़ा लॉस होते हुए भी नजर आ रहा है इनको, ये गलत जा रहे हैं गाइस, इनका डायरेक्शन गलत जा रहा है, इनको लग रहा है ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं लेकिन ये अपने लिए हानिकारक चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना करो कि इन्हें मालिक सद्बुद्धि दे, और अगर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हो तो बर्ड्स को दाना दो गाइस, है ना, और मालिक से प्रार्थना करो कि इन्हें सद्बुद्धि मिले, इन्हें गलत संगति से निजात मिले, इन्हें सही गलत की भेद हो, है ना जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई इंसान को ना समझ से परी चीजें समझ में आ रही है, गलत चीजें सही समझ में आ रही है, सही चीजें गलत समझ में आ रही है, जो सही डायरेक्शन दे रहे हैं ना लोग, ना केवल आप कि नहीं और लोगों ने भी इनको अगर समझाने की कोशिश की होगी ना कि नहीं बेटा आप गलत जा रहे हो, वहां से ताल्लुक बंद, आना जाना बंद, वो भी मिले हुए हैं, वो भी गलत है, लोग ये ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं अभी। और अगर बहुत रेस्पॉन्सिबल इंसान थे कभी लाइफ में, है ना, बहुत जिम्मेदार इंसान थे, तो अभी देखना, अभी उस मामले से कोई लेना देना नहीं, अभी केवल मात्र खुद के सोचने के अलावा कोई बात नहीं है, मतलब तो बहुत ज्यादा दिन रात में कहते हैं ना परिवर्तित रूप किसी इंसान का देखने को मिलेगा गाइस आपको, बड़ा भयंकर जिद्दी बिहेवियर, जिद पर अड़ गए तो अड़ गए, वो वाली बात है। अब आपके साथ यही सिचुएशन है कि अब इस स्थिति को कैसे संभाले, अगर कोई एक इंसान करे ना तो फिर भी एक बार हैंडल करना आसान हो जाता है, अब आपको क्या पता कि किन किन से मिलते हैं, कौन कितने लोग हैं जो इन्हें दिशा भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत चीजों के प्रति झुकाव इनका बहुत ज्यादा होता है गाइस, गलत लोगों की तरफ आकर्षण इनका बहुत ज्यादा होता है, गलत स्थितियों की तरफ आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इन्होंने अपनी लाइफ में कमियां देखी है गाइस। और जैसे दो तरीके के लोग होते हैं ना कि एक तकलीफ को देखकर संघर्ष झेल कर फिर भी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, सहन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एक को सहन नहीं होता, एक उस बात को भूल नहीं पाते, ये उस कमी को भूल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द में कोई तो लोग ऐसे हैं जो इनके दिमाग में ना एक बुरा बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन वाला, कि देखो हो सकता है कोई इनके संपर्क में ऐसे इंसान है जो शायद स्टेबल है, बहुत ज्यादा इनसे ज्यादा स्टेबल है, जो कहीं ना कहीं तुलना भाव करके ना इन्हें इनके दिमाग में पैसों को लेकर सर्वोपरि बात कहते हैं ना कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ होता है, वो बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप इनके व्यवहार में देखो कि पैसों को लेकर बहुत ज्यादा हड़कंप कहते हैं ना वो कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके दिमाग में अभी जमीन खरीदने के बारे में, कोई मकान खरीदने के बारे में, ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में दिमाग में आ रहा होगा, और ये नहीं करे तो बहुत बढ़िया है, और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी इनके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे लालच बढ़ता हुआ गाइस, समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि इनके पास अभी कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन संगत इस प्रकार की मिलना और एक दिमाग में ऐसे फितूर का भरना जब हो जाता है ना तब इंसान काबू से बाहर हो जाता है। अभी ये अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं है, इनके दिमाग को किसी और लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, ये कितनी बात मैच करती है गाइस आपके साथ। अब ऐसे स्थिति में आप कैसे हैंडल करोगे इन्हें, या कैसे तालमेल ठीक बैठेगा, आप बैठाने की कोशिश करो, एक बार कभी कभार हो जाता होगा बीच में कि आपको लगता होगा कि बिल्कुल पहले जिस तरीके से बात करते थे ये कोई आप इंसान आपके फैमिली मेंबर है या आपके मित्रगण है कोई भी, कि पहले जैसे बात करते थे ना कभी कभार कह सकते हैं गाइस, कि वो एनर्जी महसूस होती है
और फिर थोड़े टाइम बाद में, 2-3 दिन बाद में वापस से वही। तो आपको यही लगता है कि शरीर मात्र केवल है ना, दिख रहा है कि आपके अपने का है, आत्मा नहीं दिख रही, फील नहीं हो रही। और एक और चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि जहाँ आप खड़े हो या जहाँ आप होते हो ना, उसके आसपास से ना ये इंसान गुजरते हैं ना, आपको बड़ा भारीपन होता है। एक बार कहते हैं ना कि सांस एक बार जोर से लेने वाली बात गाय से, है ना, आह आह वाली बात कह सकते हैं, कि एक हैवी एनर्जी का एहसास होना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको ऐसा लग रहा है कि इन पर या तो किसी ने कुछ कराया है या किसी ने इनकी मति चेंज करने की कोशिश करी। 2-3 चीज़ें एक साथ हुई, जैसा एक तो इनकी कोई दशा महादशा चल रही है, ये पक्का है। ये ब्रह्म वाली स्थिति तभी उत्पन्न होती है कि सही को गलत और गलत को सही समझने वाली बात और गलत डायरेक्शन में जाने वाली बात तभी होती है। दूसरा, गलत संगति किसी इंसान को तभी मिलती है। और तीसरा ये गाइस कि हो सकता है कि किसी ने इनको कुछ खाने में या एक कहते हैं ना ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है। किसी के साथ, किसी के प्रति इनका झुकाव इतना गहरा हो रहा है गाइस, या हुआ है कभी, जो सामने से, इनके सामने सारी गलतियां किसी इंसान की है, सामने से पता है कि वो इंसान गलत है, तो धोखेबाज इंसान है, केवल पैसों के लालच में इनके साथ है, लेकिन फिर भी वहां पर जिद। इनको पता है इनकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है गाइस, इनको पता है, इनकी अंतरात्मा जानती है 100% कि इनका फैसला गलत है। अगर ये किसी इंसान को लेकर जिद पर है ना, इनका फैसला गलत है और इसका परिणाम भी इनको गलत देखने को मिलेगा, इनकी इमेज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अभी कुछ चीजें सही दिख रही है, बाद में वही चीजें कितना बुरा रूप लेकर आती है और इनको मानसिक कितनी प्रताड़ना देती है वो देखना, क्योंकि नंबर 7 का कार्ड है। गलत जिद पर, गलत जगह पर जिद रख कर बहुत काफी सारी चीजों से ये अलगाव कर रहे हैं, जो वाकई में इनके अपने हैं उनसे इनकी दूरी बन रही है। क्या हाल कर रहे हैं ये लाइफ का, अच्छी खासी लाइफ का ना, बुरा हाल करने पर कोई इंसान खुद उतारू हो जाता है, वो वाली चीजें कर रहे हैं। आप कहोगे यही चीजें हो रही है, साफ दिख रही है गाइस, क्योंकि 7 की एनर्जी है, यहां पर भी 7 एनर्जी और यहां पर 4 की एनर्जी, जिद्दी इंसान। और अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा गाइस आपको, अभी तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जैसे चीजें ठीक होने की कोशिश होती है फिर से बिगड़ जाती है, जैसे ठीक होने की कोशिश करती है फिर से बिगड़ जाती है। असंभव लग रहा है कि कभी ये आकर आपसे माफी मांगेंगे, यही लग रहा है। क्योंकि देखा जाए ना गाइस, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, दूर दूर तक नहीं लग रहा। इनकी जिद इतनी ठान पर है गाइस, इतनी मतलब जोर पकड़े हुए है, और किसी इंसान का इन पर इतना प्रभाव छाया हुआ है कि एक बार जब कहते हैं ना कि उस नाते मतलब जो अभी सिचुएशन चल रही है और गलत तरफ इनका डायरेक्शन जा रहा है, इनका ध्यान, इनका लगाव जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जब तक इनको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये तो है गाइस कि वो चीज़ इनको हानि पहुंचाएगी, आज नहीं तो कल हानि तो इनको पहुंचाएगी, क्योंकि इन्होंने झूठ बहुत बोले उस चीज़ के चक्कर में, उस बात को लेकर धोखे बहुत दिए हैं, तो इन्होंने कर्मा भी अपने ऐसे बना लिए गाइस कि जहाँ पर इनको भुगतान करना ही पड़े। और रही बात, इनके कदम उसी आधार पर रुकेंगे, उसके पहले नहीं रुकने वाले। आप 100 बार इनको रोकने की कोशिश कर लो, ये आपको अपना बैरी समझेंगे या आपको अपना दुश्मन समझेंगे। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके बारे में इन्होंने बाहर लोगों को गलत भी कहा है, और शायद अगर आपको सुनने में आया तो आपको बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्या व्यवहार देखने को मिला। ये समय का खेल है गाइस, ये समय का खेल है। एक साथ 2 चीजें निर्मित है, पहला आपका हद से ज्यादा लगाव। एक कहते हैं ना कि शायद इन्होंने भी कभी समझाने की कोशिश करी होगी आपको कि आप अपनी एनर्जी में बैलेंस रखो ना, है ना, आप हद से ज्यादा किसी के प्रति परवाह कर लेते हो, हद से ज्यादा किसी के बारे में सोचने की कोशिश करते हो। सबको अपनी अपनी किस्मत का भुगतान करना होता है ना। जब कभी आपका इनके साथ लगाव रहा होगा तो अच्छी चीजें भी इन्होंने आपको बहुत समझाई है, पर आपका इनके प्रति डीप डीप कहते हैं ना कि गहरा भाव, एक अंधा विश्वास, एनर्जी बैलेंस में नहीं, तो ये चोट आपको मिली गाइस। लेकिन इसका निवारण भी है,
निवारण कैसे है कि जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस में आती है, जैसा आपका ध्यान इस स्थिति पर से हट जाता है, आपकी एनर्जी इस स्थिति पर नहीं लगती है, तब से समस्या का समाधान। फिर आपको करना कि आपकी एनर्जी आपको किस और लगानी है, आपकी एनर्जी आपको अपने लिए लगानी है। एक्चुअल में ये सिचुएशन नहीं बनती तो आप अपने बारे में नहीं सोच पाते गाइस। आपको अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करवाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ाने के लिए ये सिचुएशन को जबरदस्ती क्रिएट किया गया। कुछ हाल भी बने, ऐसे कुछ परिस्थितियां भी बनी। ये थोड़ा समय का खेल है गाइस, लेकिन इनका बिहेवियर भी जो भी था वो उठकर एक बार आपके सामने आ गया कि जरूरत पड़ने पर ये आपकी मदद करते हैं या भागते हैं, है ना। अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं या आपके हित को सर्वोपरि रखते हैं या आपके रिश्तों को सर्वोपरि रखते हैं। जो भी चीज़ें थी वो सामने क्लियर हो गई है। अब बात आती है कि ये माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। माफ़ी इनको मांगनी पड़ेगी गाइस, लेकिन इसमें टाइम है। इसमें टाइम क्यों है, यहाँ पर एक चल रही है स्ट्रेटजी। अगर आप किसी बात का, किसी ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रहे हो ना, या जो खुशी आप डिजर्व करते हो, क्योंकि लगाव आपके द्वारा दिया गया गाइस, आपके द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया गया है, आपके द्वारा अपनी ड्यूटी को निभाया गया है, आपकी कर्मा कई हद तक में अच्छे बने हैं, तो ये टावर मोमेंट जो आपने फेस किया है ना, वो आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं। इनको लग रहा है कि इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, स्थितियाँ आपका डायरेक्शन चेंज करवाना चाहती थी। तो जो भी हुआ है आपके हित के लिए हुआ है, इसी समय में आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा गाइस। इसी समय में आपको ये फील होगा कि मालिक आपका साथ देते हैं और मालिक आपके दर्द को समझते हैं, है ना। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तर्क लगाकर, लॉजिक लगाकर बातों को समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओगे और वहाँ से एक स्थिति का निर्माण करोगे, एक अच्छी स्थिति का निर्माण करोगे जो आपको वापस चोट ना पहुंचाने दे और आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाए गाइस, सक्सेस आपको मिले। जितना इन्होंने आपको नीचा गिराने की कोशिश करी है, उतनी आपकी एनर्जी उठकर आगे छलांग लगाए, ग्रोथ पकड़े, आपका स्वाभिमान बच जाए, है ना। तो आपका डायरेक्शन अच्छे की तरफ जा रहा है गाइस, और आप अपने अच्छे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करोगे ना, तो और अच्छा आपकी लाइफ में होगा। और साथ में इन पर से आपकी एनर्जी हटते ही कि मुझे ठीक करना, ठीक करना, ऐसा नहीं, छोड़ दो एक बार जो, क्योंकि ऐसे जिद्दी रवैया अभी अपनाए हुए हैं कि आप चाहकर भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकते गाइस। ये समय ही करेगा, कहते ना कुछ चीज़ें समय ही समझाता है, तो समय ही समझाएगा, ठीक है। इनको भी और जो लोग इन्हें गलत सलाह दे रहे हैं उन लोगों को भी, है ना, ताकि किसी और की लाइफ को खराब करने की कोशिश ना करें। जिंदगी का एक समय भी किसी का खराब करना, एक पल भी खराब करना बहुत गलत बात होती है। ये जिंदगी के कितने साल खराब कर दिए, हंसी खुशी वाला माहौल खराब कर दिया, बिगाड़ कर रख दिया। अब जो तिनका तिनका करके इकट्ठा करता है ना, तो उनको पता होता है क्या होता है ना, ये क्या बिगड़ा है। जो इमोशनल होता है ना, वो ही इन चीज़ों को समझ पाते हैं। बट कोई नहीं गाइस, देखो एक बात समझने की कोशिश करना, इन सब हालातों में एक चीज़ क्या अच्छी हुई है, एक नहीं दो चीज़ मैं बताती हूँ। इमोशनली आप स्ट्रांग हुए हो, अब आपको किसी भी प्रकार के झूठ अगर सामने आ जाए ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली तो अच्छी बात ये हो गई, मतलब अब अंधविश्वास भी नहीं करना और किसी के बिहेवियर का कोई फर्क ना पड़ना। दूसरा, आपका ध्यान अपने करियर पर जाना, अपने भविष्य पर जाना कि मुझे कैसे भी करके पैसों के आधार पर स्टेबल होना है, है ना, करियर बनाना है, स्वाभिमान मेरे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके साथ कोई खेल खेले ये मुझे अब बर्दाश्त ना हो। ये चीज़ें का सेल्फ रेस्पेक्ट करने वाली बात आपके लिए आना, और वहाँ पर समय समय पर आपका भाग्य का साथ भी मिलना। देखो आप कोई विचार कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, इसी समय के दौरान में आप एक विचार कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, और सक्सेस का कोई आइडिया आपको मिलेगा गाइस, और ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसका निर्वाह भी आप अच्छे से कर पाओगे और वो सोर्स भी आपको मिल जाएगा।
तालमेल एक अच्छा संतुलन का, इसके जैसा आपकी लाइफ में अभी स्थिति की क्या मांग है, उस मांग को पूरा करते हुए चीजें आपके लिए बनेगी गाइस, क्रिएट होंगी। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मेरी स्थिति को मालिक ने समझा और मेरी स्थिति जिस बात की डिमांड करती है उस डिमांड के अनुसार मुझे चीजें प्राप्त हुई है। तो एक होता है ना कि हम किसी अपने से बड़े के सामने कहते हैं ना कि मेरी स्थिति को समझो ना और उसके आधार पर मेरे लिए कुछ चमत्कार करो, तो बिल्कुल कुछ वैसा आपके साथ होगा गाइस, या लगभग जितना कम हो भी चुका है, कुछ कुछ व्यूअर्स के साथ हो चुका है, वहां से एक नई शुरुआत हुई है गाइस, तभी तो आपका ध्यान भटका है ना, वरना इतना इमोशनल इंसान जो होता है ना उनका ध्यान इतनी आसानी से भटकता नहीं है। कोई विश पूरी होने वाली है गाइस आपकी, आप चाहते हो ना, दिल से चाहते हो, ये आकर आपसे माफी मांगे, ये देखो बिल्कुल उस समस्या के समाधान तक आपकी लाइफ पहुंच चुकी है। इन्हें उन्हीं इंसान के द्वारा वही छल मिलेगा जो छल इन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि डायरेक्शन गलत है गाइस, और ये इनके लिए ही सही है, इनकी लाइफ बच जाएगी। अब ये नहीं है कि आप ये प्रार्थना करो, है ना, ये कुछ चीजें खुद इंसान बना लेता है। तो ये समस्या का समाधान यही है गाइस, कि इन्हें आपकी वैल्यू का आभास होना, इन्हें आपकी रेस्पेक्ट होना, इन्हें ये चीजें महसूस होना कि स्थितियां कभी ऐसी बन जाती है ना तो हक्का बक्का नहीं होते, परेशान नहीं होते, अपनों की बात को छोड़कर पराओं को तवज्जो नहीं दिया करते, पहले अपनों की बात को वैल्यू दिया करते, उनकी बात को सुना जाता है ना, एक बार चाहे सही कहे गलत कहे, एक बार फैमिली की बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्हें उन चीज़ों का एहसास होगा, अब इन्हें सही गलत का भेद समझ में आएगा कि बाहर के लोगों ने इन्हें कितनी गलत सलाह दी है, क्योंकि जहाँ कहाँ ना इनको पैसों का लॉस वो भी दिख रहा है, और जिनके लिए इन्होंने जो भी इतने बुरी स्थितियों को क्रिएट किया उनका भी बुरा बिहेवियर इनके सामने उभर कर आएगा। तो एक इनके मन में भी यही आएगा कि इन्होंने आपके प्योर लगाव को, एक शुद्ध लगाव को ठोकर देकर ना कि नहीं, और ये कहता ना झूठी आस में गए थे और वहां इनके आस और उम्मीदें टूटी। गलत डायरेक्शन का मतलब गलत ही होता है गाइस, कोई मंजिल ही नहीं होती, वहां पर इंसान भटकता है, समय वेस्ट होता है। इनके साथ ये हुआ, इनके इतने 2-3 साल जो है ना ये वेस्ट हुए हैं। अभी आपके लिए तो समस्या का समाधान है, आप किस बात को लेकर जद्दोजहद कर रहे हो अभी, या कौन सा काम आप अपना बनवाना चाहते हो अपने भविष्य को लेकर, आपको लेकर है ये बात, वो समस्या का समाधान है, और आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी है। आप अभी मेडिटेशन करना, शांत रहने की कोशिश करना और मालिक की स्ट्रेटेजी पर बिलीव करना, है ना, आपको मालिक के न्याय पर बिलीव है, उनके न्याय पर बिलीव रखना। डेफिनेटली आकर माफी मांगेंगे गाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली, ये है डेस्टिनी में है, और आप और ऐसे दिन आकर आपसे माफी मांगेंगे, आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये इंसान आकर माफी मांगे। आप ना बहुत हिम्मत वाले इंसान हो गाइस, मैं ऐसा आपको योद्धा नहीं कहती, आपकी सोच किस प्रकार से है कि दुनिया से विपरीत जाकर ना अगर आपको अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना पड़े, एक्शन लेना पड़े ना, आप करने को तैयार हो, आप परवाह नहीं करते दुनिया की। आपको ये कि मेरी फैमिली का गलत नहीं होना चाहिए, लोग गलत समझे तो समझे, मेरी फैमिली मुझे गलत नहीं समझनी चाहिए, मेरी फैमिली को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत भावुक इंसान हो गाइस, और कहते हैं ना कि दूसरे के एक एक भाव को इतनी वैल्यू देने वाला बंदा, सबके बारे में, सबकी बर्थ डेट वगैरह सब कुछ याद रहता है, किसको क्या पसंद है किसको क्या पसंद नहीं है ना, दूसरों की और इवन आप अपने लिए भी कुछ भी पसंद करते हो ना तो एक बार पूछ कर है ना कि आप बताओ, जैसे एक गाइडेंस तो दो ऐसा कहकर, मतलब आप दूसरों के तवज्जो बहुत देते हो गाइस,
और एक बात कहूँगा, इस कब तक तो कोई इंसान नहीं समझेगा, सच्चा प्रेम जो होता है ना वो कहीं नहीं जाता, वो कभी ना कभी समय समझाता है ना। और देख लो यहाँ पर कि किसी को आपकी वैल्यू होगी, आपकी कदर होगी, कि हीरे को छोड़कर ना पत्थर की तरफ भागे इंसान, और उससे टकराने से क्या होता है, चोट ही मिलती है, और इन्हें आगे जाकर चोट ही मिलेगी। ऐसे इंसान का बिहेवियर, इस प्रकार का मुखौटा खुलकर आएगा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इन्हीं के साथ छलावा नहीं हो रहा है, और कईयों लोगों के साथ ऐसा छलावा हो चुका है। अगर इनको पता चले ना, तब इन्हें महसूस होगा कि इन्होंने क्या गलती करी है। ये इंसान जो इनके जिनके प्रति इनका लगाव जा रहा है ना, बड़े धोखेबाज इंसान है, और पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। किसी इंसान की लाइफ में कितना भी खराबा हो, बिगाड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बस खुद का स्वार्थ सबसे ऊपर। और देख लो क्या कहा कि गलत लोगों की तरफ इनका डायरेक्शन जाता है, और गलत लोगों की संगत में जिस प्रकार से होते हैं ना, मतलब जैसा व्यवहार होता है ना सामने वाले का, वैसा इनका व्यवहार हो जाता है। जिनके प्रति इनका लगाव इतना गहरा है ना, महास्वार्थी इंसान है, इंसानियत उनमें है ही नहीं ये कह सकते हैं, वरना इंसानियत हो ना तो ये समझते हैं, या कोई भी इंसान समझता है कि किसी को इतनी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की लाइफ को इतना खराब नहीं करना चाहिए। सबको समझ में आ जाता है, क्या चालाकी वाले लोग होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि किसी इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, पारिवारिक रिश्तों में कितनी तहलका मचा हुआ है, ये सब समझ में आता है, लेकिन होते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है ना। उन लोगों को बस ये होता है कि अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, और उनकी इंटेंशन भी क्या है, स्वार्थ सिद्ध करने वाली बात है। लेकिन ऐसे लोगों के भी एंट्री लाइफ में, ऐसे लोगों के एंट्री होती है जो इनको भी धोखा देते हैं। जाएंगे कहाँ, जो कर्म करेंगे वही फल पाएंगे, है ना। तो ये जो इंसान आपके साथ लगाव रखते हैं, या आपका किसी के प्रति लगाव रहा है कभी, उन्होंने जो आपके साथ गलत बिहेवियर किया है किसी इंसान को लेकर, है ना, उनसे ही इनको चोट मिलने वाली है, तब कहीं जाकर इन्हें आपका एहसास होगा, और आपकी अहमियत को ये समझेंगे, और आकर आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको हीलिंग और कहीं से नहीं मिलेगी गाइस। कहा ना, इनको मानसिक तौर पर ना गिल्ट बहुत ज़्यादा होगा गाइस, बहुत ज़्यादा गिल्ट में ये बहुत गहरे भाव से जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है ना, तो बहुत बुरे लेवल का किया है। दिमाग से ना वो इमेजेस, वो पिक्चर्स जो है ना, वो जाएगी नहीं। हो सकता है आप भूल गए होंगे गाइस, अभी हो सकता है इनको याद नहीं आए, लेकिन जब ये परिस्थिति इनके साथ क्रिएट होगी ना, कि इनके किए का इनका जो भुगतान करना पड़ेगा ना, तब देखना आपके साथ जो भी इन्होंने बुरे बुरा बिहेवियर किया ना, वो चीज़ें खोल खोल कर इनके सपने में इनको याद आएगी। देखना सपने में भी इनको वही चीज़ें दिखेगी, और चौंक कर उठना, और एक गिल्ट भाव कि बस आप माफ़ कर दो, बस आप माफ़ कर दो। सच में इनकी हालत बहुत अजीब सी होगी गाइस, सब जैसे मैं बता रही हूँ ना, तो इनका रोता बिलखता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, ऐसा रोता बिलखता हुआ चेहरा कि संभाल लो बस, इस तरीके का बहुत बुरी तरीके से, एक छोटे बच्चे की तरह कोई दहाड़ लगा लगा कर रोता है ना, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान इस कदर आपसे माफी मांगने वाले हैं, और ये झूठ नहीं है गाइस, ये झूठ नहीं है। इनकी लाइफ में एक ऐसा पल आएगा जब इन्हें सही गलत की समझ पूरी तरीके से होंगी, और ये गलत संगति को छोड़ कर ना सही संगति में जाएंगे, इनकी आदतों में सुधार होगा, ये धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, जीवों के प्रति देखना इनका बिहेवियर किस प्रकार का होगा, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, कहीं ना कहीं ये मानसिक शांति को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी मांगने के साथ साथ इनके बर्ताव में ये बदलाव आएंगे, पैसों के प्रति इनका लोभ जो है वो कम होगा। आप खुद ये चीज़ें नोटिस करोगे, और फिर आपको एहसास होगा कि ये बंदा वाकई में मन से, आत्मा से माफ़ी मांग रहे हैं। अगर ये बदलाव इनमें होने लग जाए ना, आपसे माफ़ी मांगने के साथ साथ, तो मान लेना गाइस कि जिस परेशानी को लेकर आपका दिल डर रहा था ना, उससे छुटकारा आपको मिल चुका है हमेशा हमेशा के लिए, अब ये पलट कर कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, और ऐसी परिस्थिति आपके अपने को लेकर कभी भी आपके मध्य उत्पन्न नहीं होगी। ये बहुत गहराई से आज रीडिंग आई है गाइस, और एक एक पन्ने को कहते हैं ना, एक एक चैप्टर को ओपन कर करके बताया है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत बुरी तरीके से भोगा है, और इसकी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत बुरी लेवल तक में हुआ है।
आप बहुत हैरान हुए हो ऐसे इंसान के बिहेवियर से। बट जो कोई भी हुआ गाइस, ये समझ लो आपके अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आपका डायरेक्शन भी चेंज हुआ, आपकी लाइफ में भी आपको स्टेबल किया गया है या स्टेबल होने के लिए मौके आ रहे हैं, है ना, जो आपको भी कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये जब आप स्टेबल हो जाओगे ना गाइस, आपका डायरेक्शन परिवर्तित होते ही आपकी लाइफ में हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं इन्हें भी मन ही मन में आप पर प्राउड फील होगा गाइस, भले ये कहे ना कहे स्थितियाँ यही बनेगी, है ना। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 4 हफ्ते कह लो, ठीक है, ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे ही मांगेंगे, यही फेटेड चीज़ें हैं। और 4 हफ्तों में इस मुद्दे को लेकर आपके साथ जस्टिस हो जाएगा, कि जो लोग, बाहरी लोग आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले करने की कोशिश कर रहे थे ना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उन्हें कर्मा भोगना पड़ेगा, और आपके साथ जस्टिस होगा, बहुत बड़ा जस्टिस होगा। और जो आपके अपने हैं उनके सामने भी ऐसे बुरे लोगों का मुखौटा उतर जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने बुरे हैं, ठीक है ना जी। तो आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है, अब आप शांत रहना और मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।